आप तमाम हजरात का बेहद मशहूर और ममनून हूँ कि आप कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ आए। ये वक्त आपने इबलाग उर्दू टोस्ट मास्टर क्लब को ही नहीं दिया है, ये वक्त आपने अदब को दिया है, उर्दू के फ़रोग के लिए दिया है। दो अल्फाज काफ़ी। और मैं अख्तितामी कलाम के लिए इस क्लब के सदर मोहतरम जनाब मुफीदुज़्ज़मा साहब को दावत सफन दूँगा, वो चंद अल्फाज में। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम इजलास साहब, एक ज़ोरदार ताली जनाब नाज़िम इजलास के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जलसा नहायत ही बेहतरीन रहा होगा। क्या मैं ये इस बात को उम्मीद लगाऊं कि जनाब कैसर साहब ने अपने पूरे फर्ज किया जाए अंदाज अच्छे से की? बिल्कुल, एक ज़ोरदार ताली उनके लिए। ये मौका मैं मौजूद खा हूँ अपने जनाब खुर्शीद अनवर साहब से, अगर मेरी बात उनको गिरा गुजरी हो पब्लिकली मैं आपको एडवाइस करता हूँ। मैं और मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात अरबी का मुजाहरा करेंगे। माशाल्लाह हमारे बड़े भाई, ये जो मैंने कहा दरअसल ये हमारे जैसा कि हमारे अनिस बख्श साहब ने कहा यह हमारे दार अख्तियार में नहीं था, ये तजिया निगार का ये फर्ज था, उन्हें ये जो चीज़ भी समझ में आती वो बता रहा था। एक मतलब फिर मैं दिल की गहराई से आपसे मौजूद खा हूँ जनाब खुर्शीद साहब, और मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। यहाँ पे मुकाबले में जो है यहाँ कोई शख्स शामिल नहीं था, एक बच्चा जो हमारे दरमियान यहाँ है वो लीड कर रहा है, और उसने ऐसा वोटिंग पैटर्न जो है मैंने देखा, उसको शेयर करना जो है मैंने ज़रूरी समझा। हम 20 लोग थे, 20 लोगों ने वोट किया, उसमें 16 वोट उसको है। ये मैं जो है लोगों को इंतजार करना चाहता हूँ, यहाँ पे कहीं कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है। मेरे बागर साहब या अंदाज साहब के दरमियान में जो है अगर मुकाबला होता तो एक बात थी कि हाँ भाई आपस में दिलशिकनी होगी, यहाँ कोई दिलशिकनी का सवाल ही नहीं। आप सिचुएशन को समझिए, ये सिचुएशन बहुत ही ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मैं भी इतना हसास हूँ और इतना जहर मतलब इदराक रखता हूँ मैं कि किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना चाहिए वो मुझे पता है। यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ कोई मुकाबले का जो है वो उनको शामिल नहीं है, तो लिहाजा मैंने जो है इस बात को, और जाहिर सी बात है मेरे इस बात को इस डिस्क्लोजर से जो है लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी। अरे और बिल्कुल अफजाई के लिए, हालांकि मैं एक बात यहाँ पर बताऊँ कि मैंने मास को इसलिए वोट नहीं दिया कि वो बच्चा है, बल्कि इसलिए दिया कि उसने वाकई सबसे अच्छा मैंने अपना वोट फोटो ना देकर मास्क को दिया, मैंने वो उसने वाकई अच्छा बोला। खुर्शीद साहब जहन में ये बात नहीं आई कभी, खुर्शीद साहब बात जब तक सही है बच्चे की मदद, लेकिन इसमें फिर भी एक पॉइंट नंबर आइंदा इंशाल्लाह वो नंबर अब नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, हम सबके लिए सीखने की बात है। वोट मिले आप ये कह सकते हैं मजाक की, आप भी कहते हैं 90%, लेकिन ये भी बच्चे के तालुक से कह सकते हैं, अदरवाइज आप काउंटी को डिक्लेयर इस पॉइंट पर डिक्लेयर करें, लेकिन बच्चे के लिए आप कह सकते हैं बजाय 18 और 20 का है, बजाय मेजॉरिटी आप लोगों का। थैंक यू। और मैं भी माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से। अच्छा आप लोग गले मिलने पहले एक बार बहुत ये बर्दस्त मुकाबला है बहुत बहुत। दरअसल आपको मैं बताता चलूं, खुर्शीद साहब जो हमारे रूहे रवा हैं और इस तमाम जितने मजलिस को देख रहे हैं उनकी जो मेहनत है उनकी ये काविशों का नतीजा है कि हम यहाँ पर इस तरह से भरी महफिल में कर रहे हैं। एक जोरदार ताली जनाब, बिल्कुल जनाब, ये हमारे लिए जो वक्त का पहलू जनाब सबक सदर अनिस बख्श साहब ने जिसका जिसकी तरफ इशारा किया वो है वक्त की पाबंदी और वक्त में ताखिर होना मजलिस का, और इनके साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर हम कुछ चीज़ों को करें तो वो अपने आप सिमट जाएगी। वो वक्त क्या है? वक्त को थामना। बाकर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है वक्त को थामना क्या है। वक्त तो कहीं होगी वो तो मेरे आसमान के पक्षे में उसी को वक्त जी
जी जी, अगर हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से करेंगे तो यकीन जानिए आपका वक्त बहुत अच्छा है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हमने सही तरीके से बताइए, क्या सदस्य साहब मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल डिसिप्लिन आएगा, पूरे सिस्टम जो है सबमिट किया जाएगा आपका। खाली इतना याद रखना है कि हम जब यहाँ पर है तो हमें क्या क्या करना, हम जिस दिन जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं उस जिम्मेदारी के क्या दायरे, अगर हमने इतना कर लिया तो यकीन जानिए आपका बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा। दोस्तों मैंने अपने इफ्तिताही तकरीर में ये कहा था कि बे लॉस मेहनत करने से उसका समर आपको यकीनन बहुत मिलता है, टोस्ट मास्टर में भी ऐसा ही होता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे डिवीजन कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी रियाद भी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है 18-19-20 तारीख को, इससे पहले जद्दा में हुआ, मुख्तलिफ जगह हुआ, तो ये सब में आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुख्तलिफ लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, इससे क्या होगा कि आपका जो है लीडरशिप के लोगों से इंट्रैक्शन होगा, हमारा शऊर बढ़ेगा, हमारा जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग की वो ज़्यादा ऊँचा होगा और हमें प्रोफेशनली पेशावराना खिदमत देने की सलाहियत उभरेगी। इसके साथ मैं दरख्वास्त करूँगा आप सबों से कि बेशक आप जो है बेलॉस बेगर्ज मुहब्बत करें अपनी कौम से और मेहनत करें, और यकीन जानिए कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इसका सबक बहुत पाएंगे। और इसके साथ अगर मैं दरख्वास्त करता हूँ वीपी एजुकेशन साहब से कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप इनाम ऐलान करना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़ें हैं।